हेलो एवरीवन, आप सब का यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी जयपुर कला पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, ये जो क्लास है वो क्लास नाइन्थ के लिए, ये जो सेशन है वो क्लास नाइन्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नाइन्थ का जो पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसी के लिए मैं करा रहा हूँ। क्लास टेंथ वाले भी देख सकते हैं, उनका कुछ बेसिक अगर मिसिंग है तो उसको आप कवर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो नाइन्थ की क्लासेस आ नहीं रही थी कोई भी, इंग्लिश की तो आ रही थी, मैथ की वैसे आ रही थी, वो कंबाइंड क्लास थी जो सबके लिए इम्पोर्टेंट थी, लेकिन अब हम सिलेबस पे चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा और विद एग्जांपल भी कराऊंगा। क्यों कराऊंगा? प्रैक्टिस आपको घर पे करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से क्वेश्चन बनाऊंगा आईडी शर्मा वगैरह के। क्यों कराऊँ? क्योंकि हर चीज़ का हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी मिसिंग ना रहे, है ना, कोई सिलेबस में कोई भी ऐसी चीज़ है जिस पे क्वेश्चन ना हुआ हो, कोई भी ऐसे टॉपिक जिस पे क्वेश्चन ना बने, तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, चलें, पहला क्वेश्चन क्या है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? ये जो स्टेटमेंट दिए हो, क्या ये ट्रू या फॉल्स हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर। गिव माने देना, रीजन माने कारण, योर आंसर अपने कारण, अपने उत्तर का कारण दीजिए, अपने जो आंसर दे रहे हैं उसका रीजन बताइए कि एक्चुअल में ट्रू है तो क्यों है और फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, चलो, पहला है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। देखो पहला क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो नंबर सिस्टम की क्लासेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको पहले ले लो और हाल बता दोगे। मैंने बताया था कोई भी आगे वाली नंबर का सेट पीछे वाले नंबर के सेट को कवर करता है, बशर्ते इरेशनल को छोड़ के, इरेशनल किसी को कवर नहीं करता। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, पहले आएगा नेचुरल, फिर आएगा होल, फिर आएगा इंटीजर्स यानी जेड। अब इसमें यह बोला है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो मैंने बताया था उल्टा चलने पे ट्रू नहीं आएगा कभी भी, तो क्या बोल सकते हो, कैसा है ये? फॉल्स, क्योंकि होल नंबर हो नहीं सकता क्या नेचुरल नंबर। अब इसका कारण दीजिए, तो कारण ये है कि जीरो इज ए होल नंबर बट जीरो इज नॉट नेचुरल नंबर, यानी जीरो जो है वो होल नंबर है और जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, इसका रीजन ये हो गया। ठीक है, इसके बाद है एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। इंटीजर रेशनल है, इंटीजर रेशनल है, यानी पहले की देखो क्या आता है, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल यानी क्यू, तो इंटीजर रेशनल है, इसका मतलब है ये सीधा चल रहा है, यानी उल्टा चलने पे नॉट ट्रू और सीधा चलने पे ट्रू, तो इसका मतलब ये सीधा चल रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू। अब रीजन क्या देंगे? देखो रीजन ये देंगे कि एवरी इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले, तो एम इज अ इंटीजर, कोई भी इंटीजर ले ले, जैसे इंटीजर हम ले लिया पी, तो हर एक इंटीजर के अपॉन में कितना होता है? वन, और पी अपॉन क्यू के फॉर्म की है, और पी और क्यू इंटीजर्स ऑलरेडी हैं ही हैं, तो बताओ ये जो नंबर है वो कैसी होगी? रेशनल। तो हर एक इंटीजर रेशनल इसलिए होता है क्योंकि सबके अपॉन में वन होता है, उसका देखना, तो मैं आंसर भी दिया होगा ट्रू, बिकॉज एवरी इंटीजर एम कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, यानी हर एक इंटीजर को, जैसे एम है कोई इंटीजर है, हर एक इंटीजर को हम एम अपॉन वन लिख सकते हैं, यानी क्या मतलब, पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखो लिखा भी है। ठीक है, इसके बाद है एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, यानी रेशनल इंटीजर, उल्टा पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, अगर आपको ऑर्डर याद है तो नेचुरल, डब्ल्यू इंटीजर, रेशनल यानी क्यू, रेशनल को इंटीजर बता रहा है, क्या सही है गलत है? नहीं, गलत है, क्यों? रीजन क्या दोगे? तो रीजन ये दोगे, टू अपॉन थ्री, फॉर एग्जाम्पल टू अपॉन थ्री इज ए रेशनल बट नॉट इंटीजर, बिकॉज डिनोमिनेटर रेशनल को, यानी रेशनल नंबर को इंटीजर होने के लिए डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? वन, और डिनोमिनेटर वन को छोड़ के कुछ भी है तो फिर वो कैसा चला जाएगा? रेशनल में। रीजन समझ में आया? ठीक है, तो ये क्या होगा? फॉल्स। आगे चले, चलो, और देखो रीजन भी है, देखो फॉल्स बिकॉज थ्री अपॉन फाइव इज नॉट ए इंटीजर बट रेशनल, क्यों? क्योंकि यहाँ के अपॉन में कितना है? वन तो नहीं ना, वन होता तो। ठीक है,
एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल टू के लिए मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। जगह कहाँ है पहले ये देख लें, जगह कहीं खाली है? है 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 है। चलो समझाना क्या पड़ेगा, समझ लो, मुझे आपको समझाना है कि एक नंबर है आपकी फाइव, क्या है? फाइव। और एक नंबर है आपकी सेवन, एक नंबर फाइव है और एक नंबर सेवन। मैं ये मान के चलता हूँ ये जो नेचुरल नंबर फाइव है और ये नेचुरल नंबर सेवन है। अब आपको ये बताना है इन दोनों के ठीक बीच में, इन दोनों के ठीक बीच में ऐसी कौन सी नंबर्स, यानी ऐसी कौन सी नेचुरल नंबर आएगी जो इनके ठीक बीच में पड़ेगी। तो आप ये कहोगे पाँच के बाद सात आ रहा है तो बीच में रह गया होगा छः, तो यहाँ जो नंबर है बीच की कौन सी हो गई? छः। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि ये नंबर आई कैसे होगी? अरे चलो अभी यहाँ तो ईजी था ये फाइव और सेवन, अभी कोई आंसर मतलब पूछ ले थ्री अपॉन फोर और फाइव अपॉन नाइन के बीच में, तो आप थोड़ी बोल सकते हो कि अंदाजे कि सेवन अपॉन नाइन, नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कुछ ना कुछ लॉजिक इसमें लगा है और वो लॉजिक को फाइंड करो। कैसे लॉजिक है? वो लॉजिक ऐसे आया कि फाइव और सेवन को ऐड कर दो, तो फाइव और सेवन को ऐड कर दो और उसका हाफ कर दो, तो फाइव और सेवन कितना हो जाएगा? ट्वेल्व, टू से डिवाइड कर दो तो टू सिक्स जा ट्वेल्व और नीचे अपॉन में वन, राइट नहीं करते, लिखते नहीं है, तो आंसर कितना आया? सिक्स। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई। बोले क्या? यहाँ से हमें एक चीज़ ये समझ में आई कि दो नंबर्स आपको गिविन हैं, रेशनल है, हाँ दो रेशनल नंबर आपको गिविन हैं और उनके बीच में, एग्जैक्ट बीच में अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दो, एग्जैक्ट बीच में आ जाएगी। बात समझ में आई? फिर से समझो, समझना क्या है भाई। देखो जैसे ये एट है, ये सेवन है और ये नाइन है, ये सेवन है और ये नाइन है। अब इनके बीच में कोई भी नंबर्स निकालनी है, एग्जैक्ट बीच में निकालनी है तो तरीका वही है, हाफ ऐड करके हाफ, एग्जैक्ट बीच में ना आए इधर उधर आ जाए, यानी इसके बाद में आए इससे कम आए, तो फिर आपकी दूसरी मेथड भी लग सकती है। अब सुनो, सेवन और नाइन को ऐड करो, सेवन और नाइन को ऐड करो और उसका हाफ कर दो, तो फाइनली सेवन और नाइन कितना हो जाएगा? सिक्सटीन अपॉन टू। इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एट। तो फाइनली सेवन और नाइन के बीच में कितना आया? एट। ये तो एग्जैक्ट बिटवीन में आया, यानी एकदम बीच में। अब मेरी बात समझो कि कोई अगर ये पूछे फाइंड अ रेशनल नंबर, नंबर बिटवीन एक्स एंड वाई, कॉन्सेप्ट समझना अच्छे से, रटना नहीं है कुछ भी, देखना तुम अभी क्या निकल के आएगा। तो पहली बात तो ये समझो, जब भी एक्स और वाई के बीच में नंबर पूछ रहा है तो इतना समझ लो कि वो जो नंबर होगी वो एक्स से तो बड़ी होगी लेकिन वाई से छोटी होगी। समझ में आई बात? समझ लो फिर से, यानी जो नंबर आएगी वो एक्स से तो बड़ी होगी और बाई से छोटी होगी। वो वहां मैंने उल्टा साइन लगा दिया था, समझ में आई? यानी जो भी नंबर्स आएगी वो इससे बड़ी होगी और इससे छोटी होगी। अब बोलो कैसे? देखो जैसे मैंने सेवन और नाइन के बीच में निकाला था, कितना आंसर आया था? एट। तो ये जो एट है ना वो सेवन से तो ग्रेटर है और नाइन से स्मॉलर है। बात समझ में आ रही है? यानी जो नंबर निकलेगी वो सेवन से ग्रेटर होगी और नाइन से स्मॉलर होगी, यानी छोटी होगी, बड़ी छोटी। अब समझ में आ रहा है बात? बीच का मतलब समझते हैं? इतना समझ में अगर आपको आ गया तो अब एक बात समझो, तो एक यहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर आपको एग्जैक्ट बिटवीन निकालना है, वो भी एक नंबर निकालना हो, तो बेहतर है ऐसे निकाल लो एग्जैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसा निकालना है फाइंड एन रेशनल नंबर, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन रेशनल नंबर्स बिटवीन
x and y, where x and y are rational number. समझो बात को, अगर दो रेशनल नंबर के बीच में, राइटिंग सही नहीं आ रहा है, चलो देखते हैं, दो रेशनल नंबर के बीच में एन रेशनल नंबर्स, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एन रेशनल नंबर्स, एन की वैल्यू कितनी होगी, काउंटिंग में होगी, एक दो पाँच दस बारह पंद्रह जो भी होगी, ठीक है। तो अब बात समझो, तो अगर एक नंबर निकालनी होती तो आप कर देते कि एक्स और वाई का हाफ। अब ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स आपको करनी है तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, मैं बताऊँ आपको समझाने, मतलब समझने का अच्छा तरीका, कुछ इसके स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को अगर आप कंप्लीट कर लें, उन स्टेप्स को आप याद रख लें, रखेंगे आप याद, चलो कैसे याद रखेंगे। पहला स्टेप ये कहता है, पहला स्टेप ये कहता है, मेक इक्वल डिनोमिनेटर ऑफ बोथ गिवन नंबर्स। पहला स्टेप क्या कहता है कि डिनोमिनेटर को इक्वल बनाइए जो भी नंबर्स आपको गिवन हैं, ठीक है। स्टेप सेकंड, मल्टीप्लाइंग बाय एन प्लस वन, मल्टीप्लाइंग बाई एन प्लस वन इन मल्टीप्लाइंग बाई एन प्लस वन ऑन बोथ नंबर्स, यानी दोनों नंबर्स में हम n प्लस वन का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मल्टीप्लाई अब दोनों जगह ऊपर होगा, डिनोमिनेटर में होगा तो न्यूमरेटर में भी होगा, और न्यूमरेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में होगा। कुल मिला के हम जो अपने मन से करते हैं ना, ऐसा काम करते हैं कि तोड़ के फिर वहीं पहुंच सकें, मन से कुछ भी नहीं लगा देते, ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे अगर लिख दिया एक्स और यहाँ पे लिख दिया अगर बाई तो हाँ यहाँ पे लगा दो पाँच और यहाँ पे लगा दो दो, ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे आपने पाँच लगाए तो यहाँ पे ही पाँच लगाओ, क्योंकि काट पीट के वहीं पहुँचना है अपन को, समझ में आ रही बात। एक साइड पाँच जोड़ दो, एक साइड दो जोड़ दो, ऐसा कभी होता है क्या? तो ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है कि एक साइड ऊपर मल्टीप्लाई कर दो नीचे करो या ना करो, नहीं दोनों साइड ही होगा जो भी होगा, मतलब डिनोमिनेटर में भी होगा न्यूमरेटर में भी होगा, समझ में आई बात। तो मल्टीप्लाइंग बाई एन प्लस वन, अगर एन नंबर्स पूछी हैं तो एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई कर दो एन प्लस वन का। उसके बाद फिर हम स्टेप थर्ड ये कहता है कि राइट ऑल नंबर्स इन सीक्वेंस या फिर इन ऑर्डर, बाकी के जितने भी नंबर है वो ऑर्डर में लिख दो, मतलब इसके बाद अपन को ऑर्डर पता चल जाएगा कि किस ऑर्डर में नंबर्स आएंगे। एक एग्जांपल करें तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलो कॉपी कर लेना, ठीक है। चलो कहाँ गया है क्वेश्चन, फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन वन एंड टू। देखो इनके जो आंसर है ना वो मैच इसलिए नहीं करेंगे, इसके आंसर कभी मैच नहीं करते कि क्या पता उसने कौन सी मेथड लगाई है। मैं देखो इसलिए नहीं करेंगे, इसका रीज़न क्या है, देखो रीज़न समझ लो, रीज़न ये समझो कि आपको ये पता है कि जैसे मैं लिखा यहाँ पे फाइव और यहाँ पे लिखा नाइन, तो फाइव और नाइन के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, फाइव और नाइन के हाउ मैनी रेशनल नंबर बिटवीन फाइव एंड नाइन। तो मेरा आंसर होगा इनफाइनाइट,
इतने नंबर्स होंगे कि आप लिख नहीं पाएंगे। कैसे समझो, हो सकता है ये हो, आगे नंबर हो 5.12, फिर हो 5.132, फिर 5, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स लिख सकते हो, 8 पॉइंट, ऐसे करके काफ़ी नंबर्स लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो रेशनल नहीं है। अरे क्यों नहीं रेशनल, 5.12 या पॉइंट हटाओगे नीचे 00 आ जाएगा, क्यों नहीं है? पी अपन क्यू के फॉर्मेट का नहीं है क्या? तो ये कोई पूछने वाली बात नहीं है। ये बताओ कौन सा है, नॉन रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट हो रहा है, यानी रुक रहा है। मैं सारे नंबर्स आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए बोलते हैं बेसिक पे ध्यान दो तो ये आप समझ लोगे, वरना कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसके आंसर मैच नहीं करेंगे। क्यों नहीं मैच करेंगे? क्योंकि दो रेशनल नंबर्स के, मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती है, तो क्या पता उसने कौन सी मेथड लगा के किया है। उसने बोला तो नहीं था ना कि एग्जैक्ट बिटवीन लिखा रहो, एकदम फिक्स वहीं आनी चाहिए, तो कोई भी आंसर आ सकता है। आप सुनो मेरी बात, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2, जगह और नहीं है, इधर देखते हैं, यहाँ सही है, यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2। तो पहला स्टेप हमारा क्या था कि हम इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम करेंगे। तो क्या डिनोमिनेटर सेम है? यस सेम है, क्योंकि अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 है। उसके बाद जितनी भी रेशनल नंबर पूछिए उससे एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई करें। अगर n पूछिए तो n प्लस 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5। अगर 5 पूछिए तो मल्टीप्लाई कितने का होगा, 5 और 1 6 का, तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 6 का मल्टीप्लाई नीचे भी होगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर कर दो, ऐसा कभी नहीं होता, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि काट पीट के फिर वहीं पहुँचना होता है 1 पे ही, यानी आंसर काट पीट के यानी सिंप्लीफाई करने पे वहीं पहुंचना चाहिए। अब फाइनली ये क्या बन गया, 6/6, और ये क्या बन गया, 12/6। अब मुझे बताओ अगर डिनोमिनेटर सेम हो गया, पहले ही था वो तो सेम, इसके बाद आप 6 से लेके 12 तक के ऑर्डर नहीं ले सकते। देखो 7/12, 8/12, 9/12, 10/12, 11/12। अब देख लो 5 नंबर हुई कि नहीं हुई, 1, 2, 3, 4, 5। आंसर हमारा जो स्टेप मेथड है वो आपको समझ में आया कि क्या करना है? पहला काम है डिनोमिनेटर सेम करना। अगर अब आपके मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि सर डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे कैसे, तो ये तो मैं आपको पहले अभी बता रहा हूँ। ठीक है, चलो चलें आगे। ठीक है बच्चा, चलते हैं आगे, क्लीन कर लें यहीं से। तो ये तो आपका, अब देखो आंसर आपने मैच नहीं करे होंगे, देखो अच्छा कर गए, अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा काट पीट के आए फिर आंसर, नहीं समझे, सिंप्लीफाई करके आए फिर आंसर। देखो जैसे 10/6 कट जाएगा, 2 5 10, 2 3 6। ठीक है, नोटिस दैट एग्जाम्पल 2 यू वर आस्क्ड, ये तो नहीं पूछा है ये, क्या वॉट आर द नंबर्स, नंबर्स लेफ्ट ऑन द नंबर्स इन लाइन कॉल्ड। अच्छा ये नंबर लाइन बताइए नेगेटिव वाली। अब आप एक्सरसाइज पे आ जाओ, अब सुनो मेरी बात, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा दिया नहीं जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप क्या करें? इसलिए जो एनसीईआरटी में है ना वो कम क्वेश्चन होते हैं, आईडी शर्मा में क्वेश्चन बढ़िया होते हैं और अच्छे क्वेश्चन बोल सकते हैं। तो दो चार क्वेश्चन इसमें, दो चार मतलब दो ही उसमें थे, एक ही था उसमें तो, ठीक है एक दो क्वेश्चन था, तो बेहतर है कि हम आरडी शर्मा कराएं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आरडी शर्मा की पीडीएफ बनानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, तो ये क्लास आपको समझ में आई, अब आप कर लोगे खुद ही। देखो या मैं आपको बता ही देता हूँ, रीज़न भी बताते चलूँगा। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, इज ज़ीरो इज ए रेशनल नंबर, क्या जीरो कोई रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इन द पी अपॉन क्यू फॉर्म, क्या पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको ये बताना है कि जीरो जो है वो रेशनल है कि नहीं है, तो आप बोलोगे यस जीरो इज ए रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो कैन बी राइट, यानी जीरो को लिख सकते हैं राइट एज 0/1। ठीक है, तो ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म की हो गई, बिल्कुल हो गई। P और Q इंटीजर्स हैं, बिल्कुल हैं। Q
क्या अपॉन में जीरो आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये भी सही है, तो तीनों कंडीशन पास हो गई। तो लिखोगे क्या रीजन? रीजन ये लिखोगे, जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज जीरो अपॉन वन, वेयर जीरो एंड वन आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू, यानी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, और क्यू की वैल्यू जीरो नहीं है और पी और क्यू इंटीजर्स है, सो जीरो इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जीरो रेशनल क्यों है? क्योंकि जीरो अपॉन वन है और पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट की है, पी और क्यू इंटीजर्स हैं और क्यू की वैल्यू जीरो यानी अपॉन में जीरो नहीं। फाइंड सिक्स रेशनल नंबर, तो आपको पता है मल्टीप्लाई कितने का होगा? सेवन का। क्यों? क्योंकि भाई हमारा पहला स्टेप तो काम ही नहीं आएगा। कौन सा वाला? हमारा पहला स्टेप यानी ये है कि अपॉन में, यानी जो डिनोमिनेटर है वो सेम, तो पहले से ही सेम है, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, सेवन का मल्टीप्लाई ऊपर तो सेवन का नीचे, सेवन का ऊपर तो सेवन का, आगे समझ में लिख लोगे आप। फाइंड फाइव रेशनल नंबर, क्या डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल सेम है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निकालने कितने हैं? फाइव, एक ज़्यादा का मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स का, तो ऊपर तो नीचे भी ध्यान रखना। आगे चलें बच्चा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन, आपको रीजन बताना है। नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो बताया था पीछे वाले को कवर आगे वाला कर लेगा, यानी सीधा सही है, इस तरह से चलें तो सही है और इस तरह से चलें तो गलत है। तो लिख दोगे रीजन क्या है? रीजन ये लोगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रियल नंबर बिकॉज ऑल काउंटिंग नंबर कंसिस्ट या इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद क्या है? एवरी इंटीजर ए होल नंबर, देखो एन डब्लू जेड, क्या इंटीजर होल में? नहीं, उल्टा नहीं चल सकते, तो क्यों नहीं है? बिकॉज ऑल नेगेटिव इंटीजर्स नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स, तो ऑल इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, यानी नेगेटिव जो नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में होते ही नहीं है, तो फिर गलत है। एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, भाई क्यू एन डब्ल्यू जेड ये बोला है, क्या क्यू होल नंबर हो सकता है? नो, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल टू अपॉन थ्री, ये लोगों के कि डिनोमिनेटर जो है वो वन होना चाहिए होल नंबर्स के लिए, लेकिन डिनोमिनेटर रेशनल नंबर का क्या होता है? वन, वन के अलावा भी टू थ्री वगैरह सब होता है। समझ में आई बात? तो फाइनली ये खत्म, इरेशनल नंबर आपको बताएंगे, लेकिन इरेशनल नंबर को फिर हम रिप्रेजेंट कराएंगे उस पे, आर्क पे, है ना, यानी क्या किया जाए, चलो वही कैमरे से मैं रिकॉर्ड करूँगा और कैमरे को उसी डिग्री पे, मतलब नीचे रफ कॉपी या जो भी उसका सीट पेपर है, प्लेन सीट, उस पे हम आपको रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना बताएंगे आर्क वगैरह के द्वारा और पेन पेंसिल जो भी उसके लिए यूज़ होगा। ठीक है, सो आप लोग मेहनत करिए और बेसिक क्लास को कभी मत छोड़िए, एक दिन हमारी ये जो कीमत है आपको समझ में ज़रूर आएगी कि मैं क्यों बोलता था कि ये छोटी छोटी चीज़ों को ओपन करके मैं क्यों पढ़ाता हूँ, मैं पागल थोड़ी हूँ। एक्सरसाइज अभी तक तो कितनी ख़त्म कर देता मैं, धीरे धीरे चलना है, पढ़ते हुए अच्छे से चलना है, रटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये कीमत आपको एक ना एक दिन समझ में आएगी जब आप कभी धोखा खाएंगे इस फील्ड में कि एक्चुअल में होता क्या है। ज़माना बहुत एडवांस हो रहा है, ये चोरी छुपे पढ़ाना और ये एक कमरे में बंद करके पढ़ाना, ये एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सो आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।